हेलो, माय नेम इज़ रानी जायसवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्राउड टू बी अ हाउसवाइफ एज वेल एज ए फॉरएवर बिजनेस ओनर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि फॉरेन लिविंग के प्रोडक्ट को रिटेल कैसे करें। आपने बहुत से लोगों से ये बात सुनी होगी कि पहले आप फॉरेन लिविंग के प्रोडक्ट को खुद यूज़ करिए, उसके बाद आप लोगों से शेयर करिए। तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको अप्लाई नहीं करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही लोगों को बताने के लिए चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उनके जो प्रोडक्ट है वो रिटेल नहीं हो पाते हैं। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये वर्ड ऑफ माउथ पर चलता है। वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या होता है कि जैसे आपने प्रोडक्ट को यूज़ किया, आपको अच्छा लगा, आपने अपनी फीलिंग सामने वाले से शेयर की, तो उसे भी वो चीज़ अच्छा लगा, तो वो भी उसको यूज़ करना चाहेगा, तभी आपका बिजनेस जो है वो बड़ा होता है। जैसे कि अगर आप कम से कम स्टार्टिंग में छोटे मोटे प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट करें, जैसे एलो लिप्स है, उसको आप अगर यूज़ करते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप किसी से मिलते हैं तो वो आप में जो चेंजिंग आया है तो सामने वाला वो नोटिस करेगा। और जब वो नोटिस करेगा तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं जो आप में इतना चेंजिंग आया है। तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो वो आपकी बातों पर यकीन करेगा। क्यों यकीन करेगा? क्योंकि उसको तो सामने रिजल्ट दिख रहा है, तो आपकी बातों पर यकीन भी करेगा और आपसे प्रोडक्ट भी लेगा। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट अपने घर में यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को घर के ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे लोग आते जाते उनकी नज़र पड़े उस प्रोडक्ट पर। जैसे कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आपके घर में, तो कितने लोग आते हैं जाते हैं, तो प्रोडक्ट को ऐसी जगह पर रखिए कि उन सामने वाले की नज़र आते जाते उस प्रोडक्ट पर पड़े। तो जब उस प्रोडक्ट पर उनकी नज़र पड़ेगी तो वो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ में यूज़ होता है, क्या बेनिफिट्स है इसके, आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या रिजल्ट मिला। इस तरीके का वो सवाल आपसे करेगा, तब आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स, आपको क्या रिजल्ट आए हैं। तो सामने वाला आपकी बातों पे यकीन भी करेगा और आपसे प्रोडक्ट भी लेगा। और प्रोडक्ट्स बेचने का एक तरीका ये भी है कि आप पहले छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स लोगों को बताना स्टार्ट करिए। तो जब सामने वाला छोटे छोटे प्रोडक्ट का बेनिफिट जानेगा, तो उसको यूज़ करेगा, तो उसको रिजल्ट तो ज़रूर आएगा। और जब उसको रिजल्ट आएगा तो वो आपसे पूछना चाहेगा कि और यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो उसको आपकी बातों पर यकीन होगा, क्योंकि उसको छोटे छोटे प्रोडक्ट के छोटे रिजल्ट तो नज़र आ रहे हैं सामने, तो चाहेगा कि और भी यहाँ जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसके भी बेनिफिट्स वो ले सके। तो इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट के बड़े ऑर्डर भी आ सकते हैं। जब आप लोगों को बताएंगे कि इसमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं, तो सामने वाला आपकी बातों पे यकीन भी करेगा। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट खुद यूज़ भी करिए और सामने वालों को भी यूज़ करवाइए। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 लोगों को प्रोडक्ट रिफ़र किया, वो 10 लोगों ने प्रोडक्ट को यूज़ किया, उनको बेनिफिट्स मिले, तो उन लोगों को भी तो दूसरे लोग देख के पूछेंगे कि आप क्या यूज़ करते हैं जो आप में चेंजिंग दिख रहा है। तो वो लोग तो फॉर एवर ज्वाइन किए नहीं हैं, तो लेकिन वो लोग क्या बताएंगे कि हाँ मैंने इस पर्सन से लिया था, वो यूज़ करते हैं इस प्रोडक्ट को, मैंने उन्हीं से लिया था, अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा, मैं उनसे दिलवा दूंगा। तो इस तरीके से आप सोचिए कि अगर वो 10 लोग प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और अगर दो दो लोग को भी बता रहे हैं, तो वहाँ से आपके 20 नए कस्टमर स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो लोग भी जब आपसे आके प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास बहुत मौका है कि या तो उनके बारे उनको बिजनेस के बारे में बताइए, तो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से रिफ़र करके आप अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं कि यूज़ द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट, तो ये चीज़ आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, आपके बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएगा। ये आपका बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करेगा और वहीं से आपको कस्टमर भी मिलेंगे। अगर कोई कस्टमर पैकेज में प्रोडक्ट ले रहा है, तो मतलब कि जिसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो आप उसको समझाइए कि आपको मैं बड़ा डिस्काउंट दिला सकता हूँ, तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि कैसे। तब आप उसको बिजनेस के बारे में बताइए कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसको अगर आप शेयर करते हैं तो कंपनी इसका आपको इनकम भी जनरेट करती है। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, तो आपसे जो उससे जो अर्निंग होगा उससे आप इस प्रोडक्ट को यूज़ भी कर सकते हैं और अपना इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिज़नेस नहीं करना चाह रहा है, तो आप उसको प्रोडक्ट कस्टमर ही रहने दें, ठीक है। इस तरीके से आपका जो कस्टमर बेस भी बढ़ेगा, और कस्टमर जो है वो रातों रात नहीं बनते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, समय देना पड़ेगा, उसके लिए 2, 4, 6 महीने, साल भर भी लग सकते हैं, तब जाके जो है आपका बिज़नेस जो है एक स्टेबल होगा और आपका जो अर्निंग है अच्छे से आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।